जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। गुरुवार 8 फरवरी को हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक के बगीचे में सरकारी जमीन पर बने नमाज स्थल और मदरसे को हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हल्द्वानी शहर से धारा 144 और कर्फ्यू हटा दिया गया है, जबकि भनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। हल्द्वानी के इस क्षेत्र में 8 फरवरी को हिंसा भड़कने के आरोप में पुलिस अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्यों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के भनभूलपुरा इलाके में सोमवार को अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहां पिछले हफ्ते पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि विवादित जगह पर अब नए थाने का निर्माण किया जाएगा। नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हल्द्वानी के भनभूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो भनभूलपुरा है, ये भनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। 8 फरवरी को भनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित मली का बगीचे में बनाए गए अवैध मदरसे और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान उपद्रवियों ने प्रशासनिक अमले पर हमला बोल दिया था। इस दौरान पथराव आगजनी की गई और साथ ही पुलिस थाने को भी जला दिया गया। इसके जवाब में पुलिस द्वारा भी बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस कर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस षड्यंत्र को रचने वाले लोगों को पुलिस लगातार पकड़ने का काम कर रही है। उधर हल्द्वानी नगर निगम ने मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। बताते चले कि हल्द्वानी हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक आदेश में कहा कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा जुडिशियली जाँच की जाएगी, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को भनभूलपुरा तक सीमित करने का आदेश शनिवार को नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जारी किया था। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने ढहाए गए अवैध ढांचे का निर्माण किया था। इसके विध्वंस का विरोध किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।